भाजपा ने यूपीए सरकार पर सीवीसी, सीएजी और पीएसी जैसी संस्थाओं की गरिमा को गिराने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा केंद्र ने इन संस्थाओं को दी है पूरी स्वायत्तता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए संसद में पास हुए लेखानुदान में बिजली में सब्सिडी नहीं मिलने के फैसले की आलोचना की। अप्रैल में बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया में मानवीय सहायता के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रूस और चीन ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। यूक्रेन की संसद में राष्ट्रपति को हटाने और नए सिरे से चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित। अगले राष्ट्रपति के लिए 25 मई तक होंगे चुनाव। जेल में बंद विपक्षी नेता यूलिया तिमोशेंको की रिहाई।